किससे पूछा जाए, आपसे बढ़िया समझाने वाला कोई हो नहीं सकता। तो पहले तो ये बताएं सर कि जैसे अब मैं म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूं, ठीक है, और मेरे जैसे लाखों लोग हैं ऑलरेडी लगा रहे हैं, अब ये कॉमन प्लेटफॉर्म की बात जो सेबी कर रही है, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए क्या बदलेगा? आपके लिए सबसे पहले ये बदलेगा कि आपको अलग अलग फंड हाउस में पैसा लगाने के लिए अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो आज की तारीख में एमएफ यूटिलिटी भी करता है और काफी प्लेटफॉर्म हमारे जैसे भी करते हैं, तो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग में इन्वेस्टर को कुछ अलग नहीं दिखेगा, लेकिन उसके बाद जो सर्विसिंग होती है उसमें बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ओके, तो अच्छा अभी भी आप कह रहे हैं कि जैसे मैं स्टार म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाता हूं या कैंप्स के थ्रू लगाता हूं या आप जैसे एडवाइजर के थ्रू अगर मैं पैसा लगाता हूं, तब भी तो मुझे एक ही प्लेटफॉर्म है, क्या अलग अलग है क्या तब और अब में क्या फर्क हुआ फिर? देखिए, आप लगाते तो हम जैसे आपने एमएफ यूटिलिटी के थ्रू काम किया या हमारे थ्रू काम किया किसी और प्लेटफॉर्म के थ्रू काम किया, तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे कोई काफी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आज आपको अपना बैंक चेंज करना है, आपका बैंक एक्स वाई जेड से दूसरा बैंक हुआ है, तो अभी जो सिचुएशन है वो आरटीए दो ही है, कैंप्स और कार्बी। लेकिन सपोज आपके पास 10 फोलियो 10 फंड हाउसेस के हैं, तो आपको 10 जगह कैंसिल बैंक का कॉपी देना पड़ेगा, चेक का कॉपी देना पड़ेगा, तो 10 जगह आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब ये कॉमन प्लेटफॉर्म आने के बाद खाली आपको एक जगह डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। जैसे आप डीमैट अकाउंट खोलते हो तो एक जगह आपने डॉक्यूमेंट दे दिया, सब जगह ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। म्यूचुअल फंड में सपोज आपके पास एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड है, और आपका बैंक कोटक बैंक से सपोज आईसीआईसीआई बैंक चेंज हो गया, तो आज की तारीख में आपको तीनों फंड हाउसेस में अपने कैंसिल चेक का कॉपी और डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। आने वाले पीरियड में ये नहीं होगा, एक डॉक्यूमेंट से आपका काम हो जाएगा। एक तो ये बैंक मैंडेट एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन है। दूसरा, अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ, तो आज की तारीख में जब भी आपका एड्रेस चेंज होता, आपको जितने फंड हाउस है वहां आपको ये काम करना पड़ता, आपको दिखता नहीं क्योंकि काम आज की तारीख में आपका डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक एडवाइजर करता है, लेकिन जो कस्टमर डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में डील करता है उसको फिर हर म्यूचुअल फंड में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। ये कॉमन प्लेटफॉर्म होने के बाद ये प्रॉब्लम काफी कम हो जाएगी। तीसरा है कि आपको अपना कोई भी कॉन्टेक्ट डिटेल चेंज करना है, जैसे आपने अपना ईमेल एड्रेस चेंज किया, अपना टेलीफोन नंबर चेंज किया, तो आपको दो जगह डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, एक तो कार्बी और कैंप्स में। आने वाले पीरियड में खाली आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, आपके ट्रांजेक्शन होने के बाद जो भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसमें आज के तारीख में काफी डॉक्यूमेंटेशन है। आने वाले पीरियड में खाली आपको एक जगह डॉक्यूमेंटेशन देना पड़ेगा। ये तो खाली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की बात होगी, उसके अलावा जो रिपोर्टिंग वाली चीजें हैं उसमें भी काफी बदलाव होने वाला है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। अच्छा, तो विजय जी एक चीज बताइए, आप कह रहे हैं ये कॉमन प्लेटफॉर्म होगा, अब ये कॉमन प्लेटफॉर्म कहाँ होगा? कोई एक्सचेंज पे होगा, कोई वेबसाइट पे होगा, मतलब कहाँ होगा? कि कॉमन प्लेटफॉर्म का मतलब क्या? कॉमन प्लेटफॉर्म ये जैसे आज स्टॉक एक्सचेंज का बीएससी स्टार एमएफ एक बहुत बड़ा रोबस्ट प्लेटफॉर्म है, वैसा ही प्लेटफॉर्म आरटीए बनाएंगे, जो रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के। आपको आरटीए क्या, मैं बताता हूँ। जैसे आप कोई एप्लीकेशन देते हो अपनी म्यूचुअल फंड के लिए, तो एप्लीकेशन जाके आरटीए के पास जाती है, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट के पास जाती है। उस एप्लीकेशन में जो आपके डिटेल है वो आपके डेटा अपलोड होते हैं, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका बैंक डिटेल, वो सारा का सारा आज की तारीख में आरटीए पूरा स्टोर रखता है उसको। ये सारा काम आरटीए करेगा, एक कॉमन प्लेटफॉर्म आरटीए। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने आरटीए को बोला है कि आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाइए, एक कॉमन प्लेटफॉर्म आरटीए बनाएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का ईज हो जाएगा। उसके अलावा जैसे आपको अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, तो आप एक क्लिक ऑफ द बटन पूरे अपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जहां भी आपके ट्रांजेक्शन है पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा, कि आपका होल्डिंग स्टेटमेंट ऑन अ पर्टिकुलर डेट क्या आपको एक झटके में मिल जाएगा। आपका हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन आपको चाहिए, वो पूरा का पूरा क्रॉस सारे फंड हाउसेस मिल जाएंगे। आपको कैपिटल गेन और लॉस के ट्रांजेक्शन जो भी आपके हैं वो एक क्लिक ऑफ द बटन आपको पूरा मिल जाएगा, वरना आपको अलग अलग फंड हाउस अलग अलग आरटी के पास जाके इन्फॉर्मेशन तलाश करनी पड़ती है, ये मिल जाएगा। ये तो मुझे लगता है बिगिनिंग है। उसके अलावा हो सकता है आने वाले पीरियड में रेगुलेटरी भी बोले कि फंड परफॉर्मेंस दिखाओ, IRR दिखाओ। अगर एक दफा आपके पास ये चीजें हो गई तो बाकी चीजें ऐड होना भी काफी पॉसिबल है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज और बताइए कि जैसे ये
रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट कैंप्स वगैरह हुए या बीएससी स्टार एमएफ हुआ, इनके लिए फायदे की बात है नुकसान की बात है? आप जैसे एडवाइजर्स के लिए फायदे की बात है नुकसान की बात है? देखिए, कोई भी चीज में ऐसा नहीं है फायदा नुकसान। अगर ईज ज्यादा बढ़ता है तो कस्टमर पेनिट्रेशन ज्यादा होता है प्रोडक्ट, क्योंकि ईज हो गया तो कस्टमर को काम करना आसान होता है। लेकिन उसका डाउनसाइड भी है कि काम करना आसान हो गया तो क्लाइंट फिर एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्यों आएगा? तो ये इट कट बोथ वेज। अगर ज्यादा आसान हो गया तो फिर क्लाइंट डायरेक्टली इनके पास जाएगा, ये जो प्लेटफॉर्म बन जाए उनके पास जाने की कोशिश करेगा। तो जो एंसिलरी सर्विस हम एडवाइस के साथ दे रहे हैं आजकल म्यूचुअल फंड में, जो भी उसका वैल्यू कम हो जाएगा कि मैं आपके लिए ट्रांजेक्शन प्रोसेस कर देता हूँ, आपको जो भी रिपोर्ट चाहिए वो दे देता हूँ, तो वो आज हम सर्विस देते हैं। आने वाले पीरियड में हो सकता है इन सर्विस का इंपॉर्टेंस बहुत कम हो जाए, तो हमको अपना सर्विस का वैल्यू एड बढ़ाना पड़ेगा। मैं आपको छोटा सा इलस्ट्रेशन देता हूँ कि क्या कर सकते हैं आने वाले पीरियड में एडवाइजर हम जैसे लोग, कि आज आपको कैपिटल गेन लॉस का स्टेटमेंट तो मिल गया, यहां से मिल जाएगा, लेकिन अच्छा एडवाइजर क्या कर सकता है कि हर साल के बजट आने वाले दिन, 1 फरवरी को बजट आता है, तो मैं आपको रिपोर्ट भेज सकता हूं कि आपकी हर फैमिली की हर फाइल में 1,00,000 रुपए तक का कैपिटल गेन कहां कहां है, आप एक कैपिटल गेन बुक कर सकते हो। तो मैं ये सर्विस आपको दे सकता हूं, हो सकता है वो सर्विस आपको ये प्लेटफॉर्म नहीं दे पाए। तो इसमें फायदा नुकसान ये एकदम मूविंग गोल है, मूविंग पोस्ट है, तो आज किसी चीज में किसी का फायदा हो सकता है लेकिन उसी के साथ उसका नुकसान भी हो सकता है। तो अगर ये बीएसई स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म को मुझे लगता नहीं कोई बड़ा नुकसान आज की तारीख में होएगा, मुझे लगता थोड़ा उसको फायदा ही हो सकता है। हो सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये सारी की सारी चीजें बीएसई स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म के पास जा सकती है, अगर इंडस्ट्री आरटीएस को रोबस्ट प्लेटफॉर्म नहीं बना पाए तो। वो मुझे लगता नहीं आज के तारीख में ऐसा होगा, मुझे लगता है ये अच्छा प्लेटफॉर्म बना पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 80% काम इन लोगों ने कर लिया है। अच्छा, म्यूचुअल फंड के लिए क्या है उनके लिए? म्यूचुअल फंड का तो मैंने पूछा ही नहीं, बाकी सबका पूछ लिया। म्यूचुअल फंड जो है, जैसे बहुत सारे लिस्टेड भी है, तो हमें उनके इन्वेस्टर के एंगल से भी पूछना है, उनके लिए तो अच्छी बात है कि ज्यादा लोग आएंगे पैसा लगाएंगे, तो म्यूचुअल फंड के लिए ठीक है? म्यूचुअल फंड के लिए बिल्कुल ठीक है, ईज ऑफ, अगर जितना ईज और कन्वीनियंस होगा उतना क्लाइंट को भी आसान होगा तो म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन बढ़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का मेन प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस। अगर इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस आएगी तो और कंसिस्टेंटली आती रहेगी तभी प्रोडक्ट का पेनिट्रेशन बढ़ता है। सर्विसिंग इज जस्ट अ सेकेंडरी पार्ट, लेकिन उससे कुछ खास बड़ा फर्क मुझे लगता नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा चैलेंज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को आज अपनी 20 साल की मेहनत के पास जो बंच ऑफ एडवाइजर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने खड़े किए हैं, आज के तारीख में नए एडवाइजर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो अभी जो मोमेंटम है उसका फायदा उनको मिल रहा है। लेकिन अगर नए एडवाइजर इंडस्ट्री को ज्वाइन नहीं करेंगे और जब रिटर्न आज की तारीख में जो आ रहे हैं 100% स्मॉल कैप में दिख रहे हैं, अच्छा रिटर्न दिख रहा है, जब रिटर्न खराब होंगे तब क्या होगा? तब आपके पास अगर एडवाइजर नहीं है इंडस्ट्री में तो इंडस्ट्री को उस टाइम मुझे लगता है चैलेंज आएगा। ओके, अच्छा, जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये प्लेटफॉर्म में शिफ्ट होना करना कराना उनको कुछ करना है या ऑटोमेटिकली हो जाएगा? मतलब कुछ करने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जैसे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा SIP जा रहा है, या जब भी मुझे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है जिस भी तरीके से मैं लगाता हूँ, भले डायरेक्टली लगाता हूँ भले एडवाइजर के थ्रू लगाता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे कुछ करने की जरूरत है कि करने की जरूरत नहीं? अच्छा, और दूसरा ये साथ ही ये भी बताओ कि ये लागू कब से होने वाला है? आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, रेगुलेटर ने 31 दिसंबर का टारगेट दिया है। मोस्टली ये लोग फेज वाइज इंप्लीमेंट करेंगे, पहले फेज में नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, सेकेंड फेज में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इंप्लीमेंट करेंगे, तो आप समझ लीजिए करीब 6 महीने से 1 साल के पीरियड में प्लान है, लेकिन एक्चुअल क्या होता वो देखना पड़ेगा। हो सकता है 1-2 महीने 3 महीने डिले हो जाए, वो बड़ा मैटर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 साल में पूरा का पूरा कॉमन प्लेटफॉर्म बन जाएगा, तो उसमें कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप जैसे इन्वेस्टर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोमेंट आप कुछ करेंगे इसका मतलब आपने बाय सेल करवाया किसी भी कारण से तो टैक्स इंसिडेंट होता है, तो आपके लेवल पे इन्वेस्टर के लेवल पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने डेटा दिए है, आपने 10 फंड हाउस में पैसा डाला है, वो 10 फंड हाउस के डिटेल 2 RTE के पास है, रेगुलेटर बोलता है कि इनके अंदर आपस में आप बात करो। इन्वेस्टर को मतलब नहीं है कि आप 2 RTO 10 RTO, इन्वेस्टर के लिए तो पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री एक है, तो उसको एक ही दिखना चाहिए। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इन्वेस्टर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बैकएंड में काम होगा, इसका कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं आएगा, उसका कोई एंट्री एग्जिट रूट का कोई झमेला नहीं। ओके,
तो ये है आपके लिए ये बड़े डेवलपमेंट पर पूरा विस्तार से आपको विजय मंत्री साहब ने बताया। विजय जी, हमने यही सोचा कि जब इतने